दीपावली पर हर शख्स अपने अंदाज में दोस्तों को बधाई संदेश भेज रहे हैं, जिंदगी के रास्ते से अंधेरा छटने की दुआएं कर रहे हैं। आने वाला कल खुशहाल हो, इस उम्मीद के साथ लोग एक दूसरे से मिलने जुलने के साथ अपनी भावनाओं को साझा कर रहे हैं। लेकिन कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो बरबस ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। उनमें से एक है इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का वो ट्वीट जो उन्होंने हिंदी में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के लिए किया है। नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इजरायल के लोगों की तरफ से मैं अपने प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। रोशनी के इस चमकदार त्योहार से आपको खुशी और समृद्धि मिले। हमें बेहद खुशी होगी अगर आप इस ट्वीट का जवाब उस शहर के नाम से दें जहां आप इस त्योहार को मना रहे हो। इजरायली पीएम नेतन्याहू के ट्वीट का जवाब देने में प्रधानमंत्री ने भी देर नहीं की और उन्होंने हिब्रू भाषा में कुछ इस तरह नेतन्याहू के ट्वीट का जवाब दिया। बीबी मेरे दोस्त, दीपावली की बधाई देने के लिए आपका शुक्रिया। हर साल मैं भारत के सीमावर्ती इलाके में जाता हूँ और अपने जवानों को सरप्राइज देता हूँ। इस साल भी मैं अपने बहादुर जवानों के साथ ही दिवाली मनाऊंगा। सेना के वीर जवानों के साथ समय बिताना अपने आप में बेहद खास होता है। मैं आपके साथ उन यादगार तस्वीरों को बुधवार को शेयर भी करूंगा। ये पहला मौका नहीं है जब इजरायली पीएम ने भारत को त्योहार के मौके पर बधाई दी है। दोनों नेता हर घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और इसकी वानगी दिवाली के मौके पर भी देखने को मिली।